हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारी टेक्निकल सा चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये हॉटस्पॉट का नोटिफिकेशन है, इसको कैसे रिमूव करें या तो फिर कैसे हाइड करें। आपका हॉटस्पॉट जो है ऑन रहेगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो है शो नहीं करेगा। तो दोस्तों, वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो है दो ट्रिक बताने वाला हूँ। आप कोई सा जो है अप्लाई कर सकते हो, आप चाहे तो दोनों भी एक साथ अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर चाहे सिंगल सिंगल करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, हॉटस्पॉट की नोटिफिकेशन रिमूव करने के लिए सिंपली जो आपको जो अपना सेटिंग्स ओपन कर लेना है। और दोस्तों, सेटिंग्स ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। और दोस्तों, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। और दोस्तों, देख सकते हो स्टेटस बार, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो शो नोटिफिकेशन आइकन। तो सिंपली जो है आपको जो है यहाँ से ऑफ कर लेना है। इसको ऑफ करने से क्या होगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हो शो नोटिफिकेशन आइकन। तो सिंपली जो आपको इसको ऑफ कर देना है, चाहे तो आप ऑफ भी रख सकते हो। इसका नोटिफिकेशन आइकन का मतलब है यहाँ का जो बार है, इसमें जो नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे जो दिखाता है, यहाँ पे नहीं दिखाएगा अगर इसको ऑफ कर देते हो। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो इसका जो है सेटिंग्स का लोगो आ रहा है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरा हॉटस्पॉट का जो सेटिंग्स का लोगो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं सिंपली इसको ऑफ करता हूँ, तो इसका जो लोगो जो है यहाँ से चला गया दोस्तों। तो दोस्तों, आप चाहे तो इसे ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको जो ऑन करके जो रख देता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से जो है बैक कर लेता हूँ। और दोस्तों, बैक करने के बाद हॉटस्पॉट का नोटिफिकेशन रिमूव करने के लिए सिंपली जो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। और दोस्तों, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ऐप। तो दोस्तों, आपका अगर दूसरा डिवाइस होगा या तो फिर दूसरा मोबाइल होगा, तो हो सकता है कि ऐप मैनेजमेंट हो, या तो फिर ऐप्स हो, या तो फिर एप्लीकेशन हो, इस तरह के नाम की जो होगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली जो आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है, मैनेजर से क्लिक किया। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैनेज ऐप। तो सिंपली आपको जो मैनेज ऐप पे क्लिक करना है। और दोस्तों, मैनेज ऐप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो सिंपली जो आपको जो ऊपर में जो है थ्री लाइन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो शो ऑल ऐप। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो मेरे यहाँ पे सारे ऐप जो आ गया। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है एंड्रॉयड। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड्रॉयड। तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड सर्च करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ गया है एंड्रॉयड सिस्टम। तो लोगो आपका चाहे कुछ भी हो, नाम बस सेम होना चाहिए, एंड्रॉयड सिस्टम। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको जो अपना नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मेरा हॉटस्पॉट का नोटिफिकेशन अभी भी यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो फोर्स स्टॉप करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो बूम गाइस, मेरा नोटिफिकेशन जो है चला गया। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन गया है ये सिर्फ वन टाइम के लिए। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से हॉटस्पॉट को ऑफ करके ऑन करता हूँ, मेरा नोटिफिकेशन जो है दोबारा से दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऑफ करके ऑन किया, तो मेरा नोटिफिकेशन जो है दोबारा से आ गया। तो दोस्तों, इसको रिमूव करने के लिए और एक ट्रिक है। तो और एक ट्रिक क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से डाउन करता हूँ। और दोस्तों, डाउन करने के बाद सिंपली आपको जो है लेफ्ट कर देना है, या तो फिर राइट भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ टाइम पे। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो एक घंटे के लिए है, दो घंटे के लिए है। आप कोई सा जो है टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, कितने टाइम के लिए जो आप नोटिफिकेशन जो है रिमूव करना चाहते हो। तो मैं सिंपली जो है यहाँ पे दो घंटा सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, एक बूम गाइस, मेरा हॉटस्पॉट अभी भी ऑन है और इसका नोटिफिकेशन जो है दो घंटे के लिए चला गया। अभी दो घंटे तक नोटिफिकेशन जो इसका नहीं आएगा। तो दोस्तों, मान लो आपको इमरजेंसी जो है नोटिफिकेशन का जो है ज़रूरत पड़ गया, यहाँ पे जो दो घंटे के लिए ऑफ है, दो घंटे से पहले जो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो आपका ज़रूरत पड़ गया दोस्तों, उसके लिए कुछ करना नहीं है। सिंपली जो आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद टाइम और डेट पर जाना है दोस्तों, ठीक है। टाइम और डेट पर जाने के बाद आपको दो घंटा जो है आगे कर देना है। उसके बाद जो आपका दोस्तों नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपका जो है यहाँ पर चला आएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।